आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी रविवार का महत्व। रविवार के दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मैं आपको सूर्यदेव की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार को व्रत की कथा भी सुनती थी। इस दिन वह एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे, यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देते थे और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लेकर आती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोच समझ कर गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, इसी के चलते उसने सूर्य देवता का भोग नहीं लगा पाई, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरा दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई, उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्योदय को व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धन स्थिति देखकर पड़ोसन और भी उससे जलने लगी। पड़ोसन उसे अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेजा। तब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने उस सुंदर गाय को अपने पास रख लिया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम परेशानियों से घिर जाओगे, तुम्हारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट जाएगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत करेगा और सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, साथ में घर में खुशहाली आती है। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। धन्यवाद।